नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये कंपनी भाई साहब, मैं इसको बता दूं कि रिटेल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ पर लोगों ने पैसा लगा रखा है रिटेल में। आपको बता दूं, नीचे जाकर एक बार देख सकते हैं आप, 89% करीबन 90% करीबन यहाँ पर अभी रिटेल में पैसा लगा हुआ है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब FII विदेशी संस्थागत में 3% करीबन यहाँ पर शेयर होल्डिंग हो रखी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग करीबन 8% है। तो भाई सबसे ज़्यादा रिटेल में यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा। तो अब देखते हैं इसके फंडामेंटल्स वगैरह, देखते हैं क्या है। बायर ऑर्डर्स अगर देखें तो 43%, सेलर ऑर्डर्स थोड़ा ज़्यादा हैं 56%। वॉल्यूम देखें आज का तो करीबन 9,19,938 का वॉल्यूम अभी तक ये जनरेट कर रहा है। और अगर इसका 52 वीक का हाई देखें तो 267.55, और अगर 52 वीक का लो देखें तो 90.85 रुपये का रहा है इसका। अगर हम रिटर्न की बात करें ऑल टाइम में, तो जब से ये लिस्ट हुआ है, ये लिस्ट हुआ था NSE में 7.10 रुपये पर 19 जुलाई 2002 को। तो भाई उस टाइम से यहाँ पर पब्लिक ने, जिन लोगों को उस टाइम इसके बारे में शेयर मार्केट के बारे में पता रहा होगा, तो उस टाइम जिन लोगों ने इसके शेयर खरीदे होंगे, तो आज उन लोगों को 1436.92% का रिटर्न यहाँ पर उनको मिला होगा। और ये मल्टीबैगर रिटर्न साबित होता है दोस्तों। 158 रुपये प्लस हुआ है उस टाइम से, आज ये 177 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल की सर्विस देता है, मतलब ये टूरिज़्म पे फाइनेंस करता है। अगर किसी को किसी भी तरह का फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये था कुछ जानकारी इसके बारे में। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 1572 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अगर हम इसकी ROE की बात करें तो 8.36% यहाँ पर इसकी ROE है। तो डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। और अगर इसके हम बुक वैल्यू देखें तो भाई आप बुक वैल्यू देख सकते हो, 123.08 की बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू भी 10 है। तो भाई अगर हम कर्जे की बात करें तो डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.90 है। तो फिर इसको हम नहीं लेंगे, सही है, क्योंकि इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम नीचे चलें, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी कुछ जानकारी, ये थे कुछ इसके फंडामेंटल्स। तो भाई अभी तुम, मैं जो भी, जिन लोगों ने इसके शेयर अभी बाय कर रखे हैं, तो उन लोगों को मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा। आज भी ये वन डे में करीबन 5% की इसमें बढ़ोतरी हुई है, आप देख सकते हैं 7 रुपये प्लस ये गया है, 7.22 रुपये। तो जो भी, जिन लोगों ने इस पर पैसा लगा रखा है, मैं उन लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप अपने पास होल्ड करो, क्योंकि आज इसने इतना रिटर्न दिया है। तो जब ये लिस्ट हुआ था 2002 में, ये 2002 में जब लिस्ट हुआ था, तो उतना उस टाइम इतना फाइनेंशियल का इतना वो भी नहीं था, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल का बहुत ज़्यादा अभी क्रेज़ है। मतलब बहुत सारे लोग फाइनेंस करते हैं, हर चीज़ में घूमने जाते हैं, टूरिज़्म जैसे आप देख सकते हो। तो कुछ लोग फाइनेंस करके जाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, बहुत सारे कुछ होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब थोड़ा ज़माना डिजिटल हो गया है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो उस हिसाब से मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो आपको आना चाहिए, इसमें होल्ड रखना चाहिए, पैसा अपना लगा के रखना चाहिए। बिल्कुल भी अपना जो मोटिवेशन है ना, उसको बना के रखना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, और हमेशा लगे रहो भाई, क्योंकि यही आपके लिए बहुत काम आ सकता है। अगर आपने आज लगा लिया इस पर पैसा, तो आप ज़िंदगी भर खा सकते हो, अगर आपने 10-12 साल 20 साल तक होल्ड कर लिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।